रात एटीएस से हथियारों जत्था साथ छह शख्सों ने झड़पी पाड़िया। एटीएस की त्रण टीमों अमरेली राजकोट सुरेन्द्रनगर में ऑपरेशन पार पाड़ी। पांच पिस्तौल और 20 कारतूस सहित 25 हथियार झड़पिया। नारोल में झड़पायेला हथियारों जत्थो चोटीला पहुंचाड़वानो हतो। शिवम नामनो इसम त्रणेक मास थी हथियार नी करतो हतो हेराफेरी। एटीएस की पूछपरछ में अन्य 20 जेटला हथियारों शिवमे आप्या होवानी कबूलात करी। एमपी ना विस्तारों में बे सप्लायर्स पास थी हथियार मेळवतो होवानो पण खुलासो करवामां आव्यो छे। 3 वर्ष दरमियान एमपी थी जाम खंभाळिया सुधी अनेक ने हथियारों पहोंचाड्या होवानी पण आशंका व्यक्त करवामां आवी छे। शिवम ट्रावेल्स साथे संकळायेलो हतो आरोपी। अमदावादना वस्त्रापुरनी जूथ अथड़ामणनी घटनानो वीडियो सामे आव्यो छे। मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा अंगे एक ज कोमना बे जूथ वच्चे घर्षणमां वृद्धानुं थयुं हतुं मोत। पुलिसे हत्या, हत्यानो प्रयास अने रायटिंगनो गुनो दाखल कर्यो। वीडियोना आधारे पुलिसे आरोपीओनी ओळखनी तजवीज हाथ धरी। देवभूमि द्वारकाना खंभाळियामां लालुका गामे कैबिनेट मंत्री मुळु बेरानो अनोखो अंदाज जोवा मळ्यो। कानगोपी रास मंडळीना आयोजनमां वगाड्या छे मंजीरिया। ग्रामीण संस्कृति की झांकी ने रजू करते वीडियो वायरल थयो। राजकोट कांग्रेस ना उम्मीदवार परेश धानाणी नो प्रचार। प्रचार दरमियान धानाणी युवानो साथे कैरम रम्या। परेश धानाणी जोवा मळ्या हता हळवा मूड में। मोरबी झूलता पुल दुर्घटना मामले हाईकोर्ट की फटकार बाद जयसुख पटेले सोगंदनामु दाखल कर्यु। कोर्टना आदेश बाद समयसर सोगंदनामु रजू न करता कोर्ट की माफी पण मांगी। ओरेवाना अकाउंटंटे पण सोगंदनामु दाखल कर्यु। वळतर पेटे 14,62,00,000 रूपया चुकव्यानु जणाव्यु। मोरबी में केबल ब्रिज दुर्घटना केस में गुजरात हाईकोर्टे जयसुख पटेल की माफी स्वीकारी। हाईकोर्टे पीड़िताना वळतर मामले व्यक्त कर्यो छे असंतोष। जे ट्रस्ट बनाववानी वात तमे करो छो तेमा अचोक्कस मुदत होवा जोईए तेवी पण टकोर करी छे। वडोदरामां केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाहनो आवतीकाले रोड शो योजाशे। प्रतापनगर रण मुक्त सेवर मंदिर थी खंडेराव मार्केट सुधी 3 किलोमीटर लांबो रोड शो करशे। रोड शो ना रूट पर पुलिस सहित एसआरपी नी बे कंपनी तैनात रहेशे। वडोदरा लोकसभा बैठक ना उम्मीदवार हेमांग जोशी माटे अमित शाह प्रचार करशे। सूरतना पासना आंदोलनकारी नेताओं भाजपमां जोड़ाशे। अल्पेश कथीरिया अने धार्मिक मालवीया सीआर पाटिलना हस्ते केसरियो करशे। वराछा रोड परना मानगढ़ चौक खाते भाजपना कार्यक्रममां 200 जेटला पासना कार्यकरो पण भाजपमां जोड़ाशे। सूरत लोकसभाना उम्मीदवार निलेश कुंभाणी कांग्रेसमांथी सस्पेंड। कांग्रेस पक्षमांथी 6 वर्ष माटे सस्पेंड करवामां आव्या छे। फॉर्म अमान्य ठरवा बदल निष्काळजी अंगे पार्टीनी कार्यवाही। सूरतमां कांग्रेसना उम्मीदवार निलेश कुंभाणी सामे विरोध हजू पण यथावत छे। कांग्रेसना कार्यकरोए शहेरना सिटी बस पर कुंभाणी गायब होवाना पोस्टर लगाव्या। उम्मीदवारी फॉर्म रद्द थया बादथी ज निलेश कुंभाणी गायब छे। अगाउ ओवरब्रिज पर निलेश कुंभाणी वोन्टेडना लखाणथी पोस्टर लाग्या हता। सूरतमां कांग्रेसना उम्मीदवार निलेश कुंभाणीना टेकेदारोनी पोलीसे पूछपरछ करी। सूरत पोलीसे वलसाडमां निवेदन आपी। टेकेदारो गुजरात छोड़ी गायब थया। ठेकेदारों निवेदन में जणाव्युं के अमारामांथी एकेयनुं अपहरण थयुं नथी। कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभाणी पण हजू छे लापता। बनासकांठाना वडगाममां भाजपना कार्यालय पर क्षत्रियोए विरोध प्रदर्शन कर्युं। कार्यालयना उद्घाटन समय क्षत्रिय समाजना युवकोए विरोध व्यक्त कर्यो। होबाळाने पगले उद्घाटनमां पहोंचेला पाटणना भाजपना उम्मीदवार भरत डाभीनी बैठक न थई शकी। पोलीसे विरोध करता क्षत्रिय समाजना 10 થી વધુ युवकनी अटकायत। बनासकांठामां रूपालाना विरोधमां क्षत्रिय समाजमां रोष यथावत। पालनपुरमां क्षत्रिय अस्मिता रथ साथे राजपूत समाजे रोष व्यक्त कर्यो। अंबाजीथी धर्मरथनुं करावी हतुं प्रस्थान। जे पालनपुर बाद दांतीवाड़ा अने धानेरा पहोंची रूपाला सामे रोष व्यक्त करशे।